हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैन इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हमने हमारी फिजिक्स में जो हमने चैप्टर शुरू किया था रोटेशनल मोशन, उसमें हमने हमारे मोस्टली सभी टॉपिक कवर कर लिए थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा मैंने क्यों बोला तो बताऊंगी जरूर कि ये हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, डिटेल में इसको जानेंगे, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में ये हमारे एवरीडे लाइफ में कितना इंटरेस्टिंग काम होता है। थोड़ा सा बताऊं, चलिए आपके इंटरेस्ट को बनाने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। आपने देखा होगा जो आइस स्केटर होता है, जब वो स्केटरिंग करता है तो वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भागते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बॉडी को ओपन रखते हैं, हमारे हाथ आगे पीछे होते हैं। बट जो एक आइस स्केटर होता है, वो जब स्केटिंग करता है तो वो अपने हाथों को क्लोज कर लेता है अपनी बॉडी के, यानी कि बिल्कुल अपना जो बॉडी होता है उसका ऐसा शेप बना लेता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। उससे क्या होता है कि वो इजीली मूव कर पाता है आगे की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे हम इस टॉपिक में डिटेल में। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, और भी आप ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा शॉक करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या होता है, वो वही रोल प्ले करता है जो मास करता है एक लीनियर मोशन में। तो हमने कहा था कि जो इनर्शिया होता है एक्चुअल में मास ही होता है, बट मास आपका लीनियर मोशन में होता है, और जो आपका इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो आपका रोटेशनल मोशन में होता है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कैसे रिलेट करता है, और ये एंगुलर मोमेंटम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और डेली लाइफ में हम कैसे उसको देख सकते हैं कि जो काम हो रहा है, जो वर्क आप कर रहे हैं, वो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, देन उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डेफिनेशन क्या बोलती है देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड का मतलब होता है टाइट, जो हर तरफ से क्या होती है, एकदम टाइट, कठोर होती है, अबाउट एन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो न्यूमेरिकल इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है व्हेन रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट एक्सिस, जिस एक्सिस के थ्रू कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये तो थी डेफिनेशन। अब काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि डेफिनेशन में एक्चुअल में बताया क्या गया है, तो आप लोग अभी यहाँ पे बिल्कुल भी सोचना नहीं, क्योंकि जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही अटेम्प्टेशन करना है। अटेम्प्टेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो सीधी सी बात है अटेम्प्टेशन आपके बेस्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एक लाइन आपको बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं और ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ से शुरू करेंगे अपनी डेरिवेशन। कंसिडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इसने कहा कि कोई भी एक एक्सिस है, उसके थ्रू आपकी एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मान लीजिए ये मैंने क्या ले ली, कोई भी बॉडी ले ली, शेप आप कोई भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इस तरह की शेप ले ली है और ये हमारा एक्सिस है। मान लीजिए इसके अराउंड हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और उसकी कुछ ना कुछ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जब कोई लीनियर मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, वी होती है,
और अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये चीज आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, लीनियर लाइन में चलते टाइम और एंगुलर हमेशा एंगल पे जब मूव करती है, सर्कल में जब मूव करती है, किसी के अराउंड जब मूव करती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। सो स्टार्ट, लेट बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स। ये जो बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे एन पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये चौक है, इस चौक में अभी ये पूरी एक कंप्लीट बॉडी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये चौक है तो इस चौक में ना कंप्लीट बॉडी दिख रही है हमें, हमें तो ये लग रहा है कि बस ये ही एक बॉडी है, बट अगर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल निकल के आएंगे। इसका मतलब कि इस बॉडी में बहुत सारे क्या है, पार्टिकल है। तो हम किसी भी बॉडी को जब कैसे भी देखते हैं इसका ये मतलब नहीं है वो आपको जैसी दिखाई दे रही है वो वैसे ही होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप वॉल को देखो, आपके घर में जो वॉल है, जो दीवार है आपके घर की, उसकी किसी एक दीवार को देखो, आपको देखने में वो कंप्लीट एक दीवार दिखाई दे रही है, बट अगर आप दीवार के आगे वाले सामने वाले हिस्से को हटाते तो आपको बहुत सारी ब्रॉक्स दिखाई देती हैं, आपको ईंटें दिखाई देती हैं, वो ईंटें पार्टिकल हैं। और मान लीजिए कि आप उन ईंटों को भी तोड़ते हैं तो उसमें से भी क्या निकल के आएंगे, मिट्टी टाइप कुछ कुछ पार्टिकल्स निकल के आएंगे। यानी कि एक बॉडी जो आपको दिखने में सिंपल लग रही है, एक्चुअल में वो बहुत सारे पार्टिकल की बनी है। ऐसे ही हमने जो ये पार्टिकल लिया है वो क्या है, बहुत सारे एन पार्टिकल्स है, जिनकी आप क्या नहीं कर सकते काउंटिंग, बहुत सारे एन पार्टिकल से मिलके बनाए, जिसका जो मास है वो क्या है, m1 m2 n3। यानी कि मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, उसके अराउंड आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट बॉडी मैंने यहाँ पे ले ली, उसका जो मास है मैंने m1 ले लिया, सेकंड बॉडी मैंने यहाँ पे ले ली, उसका जो मास है वो मैंने m2 ले लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बहुत सारी बॉडीज यहाँ पे ले लेंगे और लास्ट में जो हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं mn। यानी कि एक बॉडी है रिजिड बॉडी जो एन पार्टिकल से मिलके बनी है और उसमें जो मास है उनका एन पार्टिकल का वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, m1 m2 m3 एंड अप टू सोन, जितने भी उसमें बॉडीज पार्टिकल हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनकी दी हुई है r1 r2 r3 और rn तक। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताई थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बताई थी, जैसे ये आपका एक्सिस है तो मास तक जो आपका जाएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसकी कितनी हो जाएगी r1, इसकी कितनी हो जाएगी r3, इसकी कितनी हो जाएगी r2, ऐसे ही आपकी इसकी कितनी हो जाएगी rn। यानी कि जो ये डिस्टेंस होगी मास की उसके एक्सिस के अराउंड वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये तो हमारी डिटेल थी किसके लिए, हमारी जो डेरिवेशन है उसमें हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमारा कैसे होता है एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं, लेट वी बी दी लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कहने का मतलब कि v तो आपकी लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा आपकी क्या है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब आपको रिलेशन निकालना है, किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे आप, लीनियर में और एंगुलर में। सो वी नो दैट एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, नहीं पता तो बता देती हूँ, वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा आर। वी आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है और ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो बताइए आपकी वी वन कितनी हो जाएगी, वी वन हो जाएगी आपकी ओमेगा वन आर वन। बताइए ऐसे ही होगी, ये चीज समझ में आई, मैंने ये कैसे लिखा है इसमें। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं सारी की सारी चीजें। अब आपको यहाँ पे एक माइंड में चीज रखनी है, क्या कि इसमें ना एक बात बोली थी, बोलिए क्या, रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट का मतलब कि सबकी ही एंगुलर वेलोसिटी सेम है, दैट्स मीन आप यहाँ पे ओमेगा वन नहीं लिखेंगे। मैंने ये आपको पहले इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि मुझे पता था बच्चों के दिमाग में यही आएगा कि अगर वी वन लिख रहे हैं तो ओमेगा वन लिखेंगे, बट नहीं, डेफिनेशन में बोला है ना यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, सबकी ही वेलोसिटी क्या है, एक तरह से सेम है, वन है। तो अब बताइए मुझे v2 कितना हो जाएगा,
V2 हो जाएगा हमारा ओमेगा आर टू, ऐसे ही हमारा V3 कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा ओमेगा आर थ्री, और ऐसे ही हमारा VN कितना हो जाएगा ओमेगा आर एन। क्या आपके ये सिस्टम समझ में आया कि मैंने ये कैसे किया है, कैसे मैंने ये सारी की सारी चीजें की हैं, क्या आपके ये समझ में आई? देखिए, अब देखिए, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स आर। अब देखिए, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम आपको पता है शो किससे करते हैं, पी से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका एमवी। तो बताइए फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, P1, वो हो जाएगा हमारा क्या, बताओ M1V1, और V1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, ओमेगा R1, तो क्या हो जाएगी M1 ओमेगा R1। ये चीज समझ में आई मैंने कैसे की है, ये सारा सिस्टम समझ में आया आपको कि मैंने ये कैसे लिखा है? अगर आपके ये समझ में आ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप सारी के सारी वैल्यूज को इजीली रख के दिखा सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब ये तो मैंने किसके लिए निकाल लिया, ये निकाल लिया मैंने फर्स्ट के लिए, ऐसे ही सेकंड थर्ड ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, P2 आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M2 V2, M2 आपका एज इट इज रहेगा, बट आपका V2 की वैल्यू क्या है, वो है आपकी ओमेगा R2। ऐसे ही अब मैं लास्ट में निकाल लूं PN की, तो क्या हो जाएगी MN VN, ये हो जाएगी आपकी MN ओमेगा RN। ये हो गया हमारा जो लीनियर मोमेंटम था उसके लिए। अब हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो अब मुझे एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम शो किससे करते हैं, एल से, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है बताओ, वो होती है P × R। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए निकाल लूं, सोचो अगर मैं फर्स्ट के लिए निकाल लूं तो क्या हो जाएगी, P1 की वैल्यू आपने अभी निकाली है क्या होगी, M1 ओमेगा R1, और डॉट क्या है आपका R1। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने जब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम रखा तो क्या आया, वो हमारा P1 R1। तो आपकी देखो P की वैल्यू तो आप यहाँ से उठा लोगे, R1 है ही, तो लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? देखिए सबसे पहले माइंड में एक चीज रखिए कि एंगुलर मोमेंटम तक पहुंचने से पहले आपको 3-4 स्टेप लेके आने पड़ेंगे। जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देके बताती हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले आपको पता होनी चाहिए वेलोसिटी, ठीक है, अगर वेलोसिटी पता है आपको तो आप क्या निकाल सकते हैं बताओ मुझे, मोमेंटम निकाल सकते हो, मोमेंटम क्या हो गया आपका MV। ओके डन। अगर आपको V की वैल्यू पता है एंगुलर मोमेंटम के साथ तो क्या होती है ओमेगा। अगर आपको ये पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, M ओमेगा। ये चीज समझ में आई, वही सिस्टम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने पहले क्या निकाली, सिंपली जो हमारी वेलोसिटी होती है वो, फिर हमने निकाला लीनियर मोमेंटम, लेकिन हमें चाहिए क्या था, एंगुलर। तो अब हमने क्या निकाल दिया लास्ट में, अब हमने निकाल दिया यहाँ पे हमारा लास्ट में एंगुलर मोमेंटम। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम फॉर द टोटल बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ। तो भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका क्या आ जाएगा, सभी बॉडीज को आपको क्या कर देना, एल। तो एल इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट का ये था तो M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर प्लस M3 ओमेगा R3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलते 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 हमारा हो जाएगा MN ओमेगा RN का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, फटाफट से बताओ मुझे, के होगा या नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब आप इसमें से ओमेगा को क्या कर सकते हो बाहर, तो M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, और चलते चलते हम आ जाएंगे MN RN के स्क्वायर पे, और ओमेगा ले लिया हमने बाहर।
अगर ये n पार्टिकल्स के लिए है तो मैं n की जगह i रख सकती हूँ, क्योंकि जब हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो हम समेशन करके कहां तक वैल्यू को ले जाते हैं, हमारे i इज इक्वल टू 1 से लेके हमारे कहां तक लास्ट वैल्यू तक। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। और समेशन कहां से कहां तक है बच्चों, आई की वैल्यू जा रही है 1 से आई की वैल्यू एन तक, क्योंकि आई कहां से है 1 से लेके एन तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या है आपका ओमेगा, साइड में आपका ओमेगा है। और अगर आपको ये पता है कि ये वैल्यू क्या होती है तो आपके लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको याद है, बिल्कुल होगा, इनर्शिया क्या निकल के आया था बताओ, बताओ जल्दी से, आई ओमेगा आया था या नहीं आया था मुझे जल्दी से बताओ। सॉरी, आपका जो इनर्शिया निकल के आया था वो क्या आया था, एम आर स्क्वायर आया था या नहीं आया था। तो बच्चे वही तो है, एम है आर का स्क्वायर है, एम है आर का स्क्वायर है। तो हम इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, आई नहीं लिख सकते क्या, और ओमेगा तो है ही। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आया दैट इज आई ओमेगा, ये निकल के आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, यही तो हमें चाहिए था। थोड़ा सा लेंथी है, शायद आपको एक बार में समझ में भी ना आया हो, शायद आपको दोबारा से इस वीडियो को देखना पड़े, बट आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी एंगुलर मोमेंटम आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे मेहनत कितनी ही लग जाए, बट हाँ एक चीज को जब आप करने लग जाते हैं तो उसको अच्छे से ही कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कभी भी उसको करने की जरूरत ना पड़े। तो फटाफट से इस जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए मैं एक बार आपको एक टर्म बताती हूँ, देखिए इस चीज को समझिए, एंगुलर मोमेंटम क्या है आपकी, इसको कहाँ लिखूं, चलिए यहाँ पे बताती हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, आपका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, होता है या नहीं पहले ये बताओ, होता है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, ये भी हमें पता है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम में मास को क्या कहते हैं, इनर्शिया, अरे अच्छे से पता है हमें, मास को क्या बोलते हैं, इनर्शिया, और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो वही तो आया है हमारा, वही वैल्यू तो आ गई हमारी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सेम टू सेम वैसी है। देखो सिर्फ निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, बट ये जितना आपको लेंथी लग रहा है ना, और जितना थोड़ा सा टफ भी लग रहा होगा, बट ये है बहुत ईजी। अगर इसको एक दो बार करके देखोगे, बहुत स्लो स्लो वीडियो को करके देखोगे ना, तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो समझो हमें करना क्या था, अब देखो ये क्या हमारी डेफिनेशन रह गई थी ना, मैंने आपको बताया था कि इस डेफिनेशन का मतलब मैं बताऊंगी क्या होता है। तो इसमें कहा था ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, तो वही तो है, न्यूमेरिकल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, वही तो आ गया हमारा, वही आया ना, तो वही सिस्टम है यहाँ पे, हमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू को बताना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या आ गई, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन, कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी निकाली, फिर लीनियर मोमेंटम निकाला, जैसे ही मोमेंटम आ गया हमने उसको चेंज कर दिया किस में, एंगुलर में, एंगुलर में हमने फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकाला तो ये हो गया, जब टोटल के लिए निकाला तो सारे पार्टिकल एन तक देख लिए, ओमेगा हमारा क्या था, ओमेगा हमारा कॉमन था तो बाहर ले लिया, बाद में देखा कि हमारा एम और आर का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा आई होता है, ये तो हमारा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लास्ट में हमने यहाँ पे क्या टर्म रख दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया। तो ये जो टर्म हमारी निकल के आई है, ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया, इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आप बताने वाली हूँ वो है इनके एग्जाम्पल्स। आपको शायद ये नहीं पता कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो आइस स्केटर होता है वो अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि किस तरह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारी जो डेली लाइफ रूटीन होती है, या फिर मैं कहूँ जो स्पेशल वर्क होते हैं, जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल्स करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप इन टर्म्स को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको एंगुलर मोमेंटम के जितने भी एग्जाम्पल है वो इजिली समझ में आ जाएंगे। बट अगर मैं आपको डायरेक्ट ही एग्जाम्पल करा दूंगी तो शायद ये समझ में ना आए। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है जो मैं अब आपको कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, ये आपके एग्जाम्पल्स को समझने में भी हेल्प करेगा, और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो भी बनेंगे आपके इन्हीं से।
तो मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे कि आपका कोई भी एक आधा मार्क्स भी ना कटे एग्जाम में। आपके पास अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उनको भी आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि हमारे एग्जाम्पल्स में भी हेल्प करेगा और वैसे ही आपका कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए क्या करने वाले हैं हम लोग निकालने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आप सबको पता है, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा एल और हमारा टॉर्क क्या होता है टो। अब हम इन दोनों में रिलेशन निकालना है कि ये रिलेशन किस तरह के निकल के आते हैं। ये रिलेशन निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रिलेशन हम एंगुलर में निकालने वाले हैं मतलब रोटेशनल मोशन में, बट अगर हम लीनियर की बात करें तो ये कैसे होगा। आपको पता है टॉर्क क्या होता है, आपका फोर्स होता है, और जो लीनियर जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है लीनियर मोमेंटम। तो आपका फोर्स और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है पता है आपको, मुझे पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका डीपी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कुछ ऐसा ही आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं देखते हैं, वी नो दैट हमने अभी अभी निकाला है कि एल इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई ओमेगा, हमने अभी अभी डेरिवेशन में निकाली ये चीज। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए आपका क्या निकल के आएगा, कैसे करेंगे आप इस डिफरेंशिएशन को। टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम इनको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dl by dt और इधर के साइड क्या आ जाएगा हमारा d i omega by dt। अब जैसा कि आपको पता होगा i हमारा क्या हो जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा हमारा d omega by dt। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है तो बेटा आपको बता दूं ये अल्फा होता है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर में निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू में आपका एक्सेलरेशन। अब जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन लीनियर में होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा किस में होता है रोटेशनल में, तो आपका डी ओमेगा बाय डी टी क्या बन गया बताओ, वो बन गया हमारा अल्फा। तो हमारा जो डी एल बाय डी टी है वो क्या बन चुका है आई अल्फा। और जिन बच्चों को अब ये भी नहीं पता कि आई अल्फा किसके इक्वल होता है तो वो भी सुन लो, आई अल्फा आई क्या होता है मास, अल्फा क्या होता है लीनियर में एक्सेलरेशन, क्या होता है फोर्स, ऐसे ये किसके इक्वल हो जाएगा टॉर्क के। मैं एक टर्म आपको लीनियर के साथ कनेक्ट करके बता रही हूँ क्योंकि लीनियरली जो मोशन होता है उसके बारे में आप सारी चीजें मुझे पता है आपको अच्छे से आती होगी। एंगुलर में जाने से पहले आप एक बार लीनियर के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली हर चीज आसान लगने लगेगी। तो हमें पता क्या लग गया, क्या कि जो हमारा आई अल्फा इधर टॉर्क होता है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है हमारा डी एल बाय डी टी। और यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें चाहिए था, यानी कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एल और हमारा टॉर्क क्या है टो, ये आ गया हमारा क्या रिलेशन। तो आप क्या बोल सकते हो कि टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे आप लाइन अडॉप्ट कर सकते हो, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी वैल्यू को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, बाद में जो भी वैल्यू होगी उसको लिख दो, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको भी टाइम से डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे डी बाई डी टी है, ये वैल्यू जहां पे भी होती है आपकी डी बाई डी टी, यहाँ पे बेसक कुछ भी हो, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, क्या रोल है हमारा, हमें क्यों पढ़ना है इसके बारे में, ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैंने ये क्यों लिखा तो बता दूं,
कि अगर मेरे को ये समझाना था, एक्चुअल में मुझे ये समझाना था, बट अगर मैं ये नहीं समझाती तो आपके ये भी समझ में नहीं आता। कैसे? अभी आएगा आपको समझ में कि मैंने पहले इसको क्यों कराया है। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड को अब तक आप समझ गए होंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित रखना, यानी कि कंजर्व कर देना, कॉन्स्टेंट कर देना। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि आप एंगुलर मोमेंटम को भी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस मास और वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही थी और उसी स्पीड से क्या करते रहे, मूव करते रहे, करते रहे, करते रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फैन, फैन एक स्पीड जो है उसकी, जो वेलोसिटी है उसकी, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है, उसके साथ हमेशा क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। आप उसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। बटन होता है ना, बटन के साइड में वो सर्कल टाइप का कोई बटन होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो। बट अगर आपका जो फैन है वो हमेशा एक ही स्पीड पे चलता है, तो आप क्या कहते हो कि वो फॉलो कर रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, यानी कि वो हमेशा हमेशा सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और वो कब तक घूमता रहेगा, जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, जब तक आप स्विच को क्या ना कर दे, ऑफ ना कर दे, वो हमेशा क्या करता रहेगा, उसी सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा उस एक्सिस के अराउंड। तो चलिए एक बार इसको मैं यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन है उसके थ्रू समझाती हूँ कि एक्चुअल में ये क्या बोलना चाह रहा है। तो शुरू करें, चलिए। तो ये क्या है हमारा लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम, जब टॉर्क नहीं लग रहा ऑफ द पार्टिकल, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जब तक कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, लीनियर में फोर्स लगाते हैं, एंगुलर में यानी कि सर्कल में रोटेशन में टॉर्क लगाते हैं। और अगर आप कोई भी बॉडी मान लीजिए घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, और अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो वो हमेशा सेम स्पीड के साथ, सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी, जैसे आपका क्या घूमता है, फैन। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम्पल से कैसे रिलेट करता है। यानी कि आपकी एवरीडे लाइफ में जब आप कोई चीज देखते हैं घूमते हुए, तो वहां पे कैसे ये फॉलो होता है। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म बताती हूँ कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे हमें क्या मिला बताइए, हमें यहाँ पे हमारा लास्ट फॉर्मूला मिला, टोर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी। और ये जो टोर्क हम निकाल रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं, टोटल बॉडी के लिए, तो हमारा जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है ये भी किसके लिए रहेगा, ये भी रहेगा टोटल के लिए। अब जैसे कि डेफिनेशन ने कहा कि अगर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो टॉर्क को मैं क्या मान लू, जीरो मान लू, कोई प्रॉब्लम? तो अगर ये जीरो है तो आप क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी, बिल्कुल हो सकता है। ये हमें समझना है कि अगर टॉर्क ना लगाया जाए किसी बॉडी पे, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, और आपकी बॉडी हमेशा क्या करती रहती है, बॉडी हमेशा रोटेट करती रहेगी उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जिसके साथ वो कर रही थी। क्या आपके ये टर्म समझ में आई कि मैंने ये कैसे लिखा है? भाई सीधी सी बात है, अगर ये आपका इक्वल हो गया जीरो के, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका एंगुलर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। और आपके एल की वैल्यू क्या होती है, आई ओमेगा, तो आपका आई ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से मैं बोल सकती हूँ ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो का जो यहाँ मतलब है ना, जो जीरो हम यहाँ लिखते हैं, जीरो का मतलब ये नहीं है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जीरो का एक्चुअल में मीनिंग होता है कॉन्स्टेंट, कि आपकी जो वैल्यू निकल के आई है वो अब कॉन्स्टेंट रहेगी, वो आपकी है ना सेम स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड से क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। अब इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और वो बॉडी अपने जो इनर्शिया है, इनर्शिया ना ये आई, इस इनर्शिया को कम कर दे, रेडियस को कम कर दे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। दोबारा से सुनिएगा इस बात को जो मैंने कहा, अगर किसी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज कर दिया जाए, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है।
अब आपको पता है कि जो आई होता है वो होता है आपका क्या, एम आर स्क्वेयर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। मैंने आई की जगह क्या रख दी, आई की वैल्यू एम आर स्क्वेयर। अगर आप रेडियस कम कर दें, जैसे कि अगर आप घूम रहे हैं और हाफ हाथ को ऐसे ओपन कर लेंगे तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कम रहेगी, लेकिन अगर आप घूम रहे हैं और हाफ हाथ को ऐसे कर लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं, अच्छे से अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी इस कंडीशन की वजह से। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि अगर आपका ओमेगा इंक्रीज करना है तो आई को डिक्रीज करना होगा, तभी आपका क्या होगा, सिस्टम जो है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो आई होप आपके ये सारा सिस्टम समझ में आया हो, जिसमें आपको क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। पहला ये फॉर्मूला कि आपका जो टो होता है वो होता है डीएल बाय में डीटी। सेकंड जो आपको याद रखना है वो ये कि अगर किसी भी सिस्टम पे, किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो है, एक्सटर्नल मतलब अंदर का, मतलब बाहर का, एक्सटर्नल बाहर का, इनर नहीं, पार्टिकल के खुद का नहीं, बॉडी के खुद के अंदर का नहीं, अगर उसका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। और अगर आप घूमना, मतलब कोई भी बॉडी है उसको घुमाना चाहते हैं, तो उसके मास को क्या कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा तेजी से उसकी एंगुलर वेलोसिटी तेज हो जाएगी, वो बहुत तेजी तेजी से क्या करने लग जाएगा, उसके अराउंड मूव करने लग जाएगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम देखते हैं कि ये लॉ जो है हमारा, ये जो हमारे प्रिंसिपल है, ये किस किस प्रिंसिपल पे काम, मतलब ये किस किस बेस पे काम करता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कैसे समझ सकते हैं हम इसको, और कहाँ कहाँ हमने देखा है, कौन कौन लोग किस किस जगह पे इसको फॉलो करते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कराने वाली हूँ मैं आपको, फटाफट से इसको नोट डाउन किए। तो बात करते हैं हमारे जो एंगुलर मोमेंटम है उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। वैसे अगर कहा जाए तो एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, बट मैं आपको यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ जो शायद आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, जिनसे आपको एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व होने के बारे में समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। बहुत ही इजी वाले एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, और आप इनको अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, या फिर आप इनको नेट पे चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपका जो ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ वो काम करता है। तो चलिए फटाफट से हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने एग्जाम्पल रखा है, जो कि हमारा एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। अब इस चीज को आप समझिएगा, एक जो हमारा सन होता है वो स्टेशनरी होता है, हमारा जो सन है वो स्टेशनरी है, बाकी के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो उसके अराउंड हमेशा क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी प्लैनेट की, जब वो सन के अराउंड मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो ऑर्बिट है वो ऐसे है, कुछ इस तरह से इलिप्टिकल टाइप सा है, कह रहा है इंक्रीज, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, कब, जब वो प्लैनेट क्लोज होगा सन के। तो इससे क्या समझ में आया हमें, तो जैसा मैंने आपको कहा था जब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कराया था, कि आपको क्या याद रखना है, आई ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको एंगुलर जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करना है तो आपको आई को डिक्रीज करना होगा, और आई क्या होता है, आई होता है हमारा एम आर का स्क्वायर, यही होता है या नहीं होता है। अगर रेडियस कम है तो ओमेगा क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। कैसे, पहले जब प्लेनेट दूर था, इलिप्टिकल होता है, पास यहाँ पे जाता होगा, ये दूर होगा, इसको दोबारा से मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और इलिप्टिकल होता है हमारा कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये दूरी ज्यादा है, यहाँ रेडियस आपकी क्या है, ज्यादा है, बट यहाँ आपकी रेडियस क्या है, यहाँ रेडियस आपकी कम है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जब प्लैनेट यहाँ आता है ना, क्लोज आता है सन के, तो उसका जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर क्या हो गया, कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आप इसको ऐसे इजीली समझ सकते हैं, जहां रेडियस कम होगी वहीं पे ही आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था ना, जब घूमते हुए हाथ को ऐसे फैला लेते हैं तो घूमना मुश्किल होता है,
वेलोसिटी कम होती है, बट अगर आप ऐसे करके घूमेंगे तो घूमना ज्यादा आसान होता है, बहुत इजीली मूव कर पाते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो काम करती है वो करती है हमारे इनर्शिया पे, और इनर्शिया में क्या होता है मास और रेडियस, अगर रेडियस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, रेडियस कम कर लेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो सन के पास आने के, जब सन के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, रोटेट जल्दी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो था हमारा क्या फर्स्ट जो एग्जांपल था, जो कि शो करता है हमारा क्या, हमारे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कि यहाँ पे आपका जो कंजर्वेशन है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले एग्जाम्पल के बारे में। इस सर्कस एक्रोबेट परफॉर्म्स फीट्स इन्वॉल्विंग स्पिन बाय ब्रिंगिंग हर आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर टू हर बॉडी। आपने ना सर्कस में बहुत बार देखा होगा, चलिए याद दिलाती हूँ, आपने सर्कस में देखा होगा कि आपके एक मतलब कोई भी एक गर्ल होती है और वो अपनी बॉडी को रोटेट करती है, जब वो अपनी बॉडी को रोटेट करती है तो वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे बांध लेती है, यानी कि बिल्कुल अपनी बॉडी के क्लोज ले आती है, और जैसे ही वो क्लोज लाती है तो उसका स्पिन करना, उसका घूमना उसका आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, तेज, और जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी तेज होगी आपका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाता है, काम करने लग जाता है, और वहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है कंजर्व, यानी कि बॉडी क्या करने लग गई है, अब रोटेट करने लग गई है उसी एक्सिस के अलोंग, उसी एक्सिस के थ्रू। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था, एन आइस स्केटर एंड बैलेट डांसर परफॉर्म द फीट्स। वो भी सेम ऐसा ही काम करती है जैसे आपके सर्कस में वो स्पिन करते टाइम वो गर्ल करती है, यानी कि जब आइस स्केटर मूव करती है आगे तरफ घूमने की कोशिश करती है आइस के ऊपर, और जो बैलेट डांसर होती है वो भी क्या करती है, वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेती है और अपने फीट्स को क्या ले आती है, एकदम क्लोज ले आती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट्स मीन उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व। ये चीज हम पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह से आपका एक्सटर्नल टोर्क जब जीरो हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ एग्जाम्पल के बारे में, और जो आपने बहुत बार देखा भी होगा मे बी। देखिए क्या होता है, एक डाइवर परफॉर्म सम सर्ट फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम अ हाई डाइविंग बोर्ड कीपिंग हिज लेग्स आर्म स्ट्रेच फर्स्ट एंड देन कर्लिंग हिज बॉडी। नहीं आया समझ में, समझाती हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, स्विमिंग पूल के पास है ना एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइविंग बोर्ड। जैसे कि लोगों को ना नॉर्मली स्विमिंग से पसंद है कि डाइविंग करते हुए उसमें स्विमिंग पूल में जाना, उसमें क्या होता है कि स्विमिंग पूल के कई बार तो बिल्कुल पास में ही डाइविंग बोर्ड लगा होता है, और कई बार बहुत ऊंचाई के ऊपर क्या लगा होता है, डाइविंग बोर्ड लगा होता है। तो जब डाइविंग बोर्ड पे से ऊपर से कूदते हुए जंप करते हुए जो पर्सन है वो नीचे आता है, सबसे पहले वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल घूम के बैठ जाता, बिल्कुल घूम जाता है, बिल्कुल एकदम चिपक, मतलब अपनी बॉडी को ना एकदम बिल्कुल क्लोज कर लेता है। क्यों? ताकि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, एकदम से चेंज हो जाए, और जैसे ही वो थोड़ा सा पूल के पास आने को होता है देन उसके बाद वो अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, कर्ल कर देता है, और फिर उसके बाद ओपन कर देता है, और फिर कहाँ चला जाता है, स्विमिंग पूल के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये वो पर्सन है जो कहाँ से आ रहा है, जो आपका डाइविंग बोर्ड से आ रहा है, ये डाइविंग बोर्ड है। जैसे ही पर्सन डाइविंग बोर्ड से नीचे की तरफ आता है, जैसे ही वो जंप करता है तो वो सबसे पहले अपनी बॉडी को कर लेता है स्ट्रेच, सब कुछ ऐसे ऐसे नीचे की तरफ कर लेता है, और फिर नीचे आते 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 वो अपनी बॉडी को कर्ल कर देता है इस तरह से, और फिर पानी में क्या लगा देता है, जंप कर देता है। तो ये सारा सिस्टम होता है हमारे किस में, ये सारा का सारा सिस्टम होता है हमारा जो स्विमिंग पूल में जो डाइविंग बोर्ड होता है उसके थ्रू कोई पर्सन जो डाइवर है वो किस तरह से डाइविंग करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कभी आप करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। वैसे मैंने किया नहीं है, बट हाँ मुझे पता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है ये करना। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वर्क करता है। जब वो पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, इनर्शिया को कम कर लेता है, और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है।
ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। अब फटाफट से आते हैं हमारे फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ कि ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइल फॉलिंग, फॉल करते समय एक कैट स्ट्रेचेस इट्स बॉडी अलोंग विद इट्स टेल सो दैट इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज सो ओमेगा डिक्रीज। क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल? आपने कभी बिल्ली को ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाते हुए देखा है? कभी फॉल करते हुए देखा है? कोई भी बिल्ली नहीं देखा तो मैं अब आपको क्या दे रही हूँ, एक टास्क दे रही हूँ। आप अपने घर में या फिर कहीं भी आसपास, आपके आसपास कोई कैट हो तो आप उस कैट को देखना। जब वो कैट कहीं एक छत से दूसरी छत पे या फिर छत पे से नीचे की तरफ कूदती है या फिर किसी बॉल पे से नीचे की तरफ कूदती है तो अपनी टोटली बॉडी को क्या कर लेती है, टोटली बॉडी को आपका स्ट्रेच टाइप कर लेती है। यानी कि जब वो स्ट्रेच करती है अपनी बॉडी को, उसकी जो टेल होती है ना, उसकी जो पूंछ होती है वो भी ऐसे मुड़ जाती है, वैसे स्ट्रेट रहती है। जैसे ही उसको घूमना होता है वो क्या कर लेती है, बॉडी को स्ट्रेच कर लेती है। और जैसे ही वो स्ट्रेच करती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज करने से क्या फायदा होता है कि उसका ओमेगा वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वो घूमेगी नहीं, वो आराम से क्या कर जाती है, छलांग लगा जाती है। और भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, इस ये जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन है इसको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली उनको साइंस के बारे में पता तो नहीं है, उनको नहीं पता वो क्यों करते हैं ऐसा, बट पहले से ही भगवान ने उनको इतनी बुद्धि दी हुई है कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि जब वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह कूदें तो वो एकदम फ्लुएंटली कूदें, एकदम से आराम से लैंड कर जाएं ग्राउंड के ऊपर और उनको कोई भी चोट ना लगे। यही तो रीजन है कि जो हमारी बिल्लियां या कैट या फिर मंकी वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाते हैं और उनको कहीं भी चोट भी नहीं आती, क्योंकि वहां पे ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो वो इजीली क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उनका इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है जिससे ओमेगा क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब ओमेगा डिक्रीज होगा, स्पिन करेगा नहीं, घूमेगा नहीं, इजीली क्या कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपके समझ में आए होंगे, मैंने कोशिश पूरी की है कि आपकी समझ में आए। तो चलिए अब ये तो हो गए हैं एग्जाम्पल की बात, हमने देख लिए हैं हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो भी देख लिए हैं। अब मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन उसके बाद हमारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। तब तक एग्जाम्पल्स को फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर फटाफट से शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल।